हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर पीकर एडुकेशन। तो गाइस, बिहार पुलिस SI का फॉर्म आ चुका है और ये बहुत ही गोल्डन मौका है सबके लिए जो भी इनका वेट कर रहे थे। तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखें। आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं सारा कुछ कवर करने वाला हूँ कि एलिजिबिलिटी क्या चाहिए, एज क्या चाहिए, कब तक आप भर सकते हो, पैटर्न क्या है इसका, दौड़ कितना चाहिए होगा, हाइट कितनी चाहिए होगी, सारा कुछ इस वीडियो में कवर होने वाला है। तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखें। तो फ्रेंड, यहाँ पर पहला है कि यहाँ पर वेबसाइट देख लो, bpssc.bih.nic.in। ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट है, इसी वेबसाइट के थ्रू आपको फॉर्म को फिल करना है। यहाँ पे दूसरी में बात करूँ डेट की, तो यहाँ पे स्टार्ट ये हो चुका है 16/8 को और लास्ट डेट है 24/9 को। तो प्लीज़ फ्रेंड, यहाँ पे लास्ट डेट का आप इंतजार मत करो, बिकॉज लास्ट टाइम में क्या होता है, काफ़ी रश होता है सर्वर में, तो कई दफ़ा लोग नहीं भर पाते हैं डेट बिजी होने की वजह से, तो कहीं ना कहीं जाने अनजाने में वो मिस कर जाते हैं उस चीज़ को। और उसके बाद में बात करूँ यहाँ पे सब इंस्पेक्टर की, तो इनका वेतन है 35,400 से लेकर 112,400 तक, और इसके लिए यहाँ पे संख्या है, पोस्ट है 1998। और यहाँ पे सर्जेंट की बात करूँ तो सैलरी सेम है और यहाँ पे उसकी संख्या है 215। अभी एग्ज़ाम की मैं बात करूँ फ्रेंड, तो यहाँ पे एक फ्री होने वाला है, दूसरा मेंस होने वाला है, 200 मार्क्स का है, 100 क्वेश्चन होने वाले हैं, 2-2 घंटे के लिए। अब यहाँ पे उसके बाद इम्पॉर्टेंट चीज़ की भी हम बात करें तो यहाँ पे आती है एज, उम्र। यहाँ पे जनरल कैटेगरी वाले जिनकी उम्र 20 से 37 वर्ष है वो यहाँ पे इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। OBC यहाँ पे 20 से लेकर 40 साल की एज के बीच के जो लोग हैं वो फिल कर सकते हैं। ST SC की बात करो तो यहाँ पे जो लोग 20 से लेकर 43 साल के बीच में हैं वो यहाँ पे इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब बात करते हैं फ्रेंड यहाँ पे हाइट की। पुरुष जिनकी हाइट 165 सेंटीमीटर है, मतलब कि 5 फीट 4 इंच, वो यहाँ पे इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं आसानी से। वहीं महिलाओं की बात करूँ तो यहाँ पे 160 सेंटीमीटर रखी गई है, मतलब कि 5 फीट 2 इंच जिनकी हाइट है वो ये इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। चेस्ट की बात करूँ तो ये सिर्फ पुरुषों के लिए रखा गया है, जो सामान्य कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो बिना फुलाए हुए 81 सेंटीमीटर और फुलाकर 86 सेंटीमीटर चेस्ट होना चाहिए। और ST SC की बात करो तो बिना फुलाए हुए 79 सेंटीमीटर और फुला के 84 सेंटीमीटर उनका चेस्ट होना चाहिए। और यहाँ पे शारीरिक क्षमता परीक्षा, दौड़ की बात करें फ्रेंड यहाँ पे, तो पुरुष के लिए 1600 मीटर एक मील, 1600 मीटर आपको 6 मिनट 30 सेकंड में दूरी तय करनी है। और वहीं महिलाओं की बात करो तो 1 किलोमीटर की दौड़ के लिए 6 मिनट का समय दिया गया है। ऊंची कूद पुरुषों के लिए 6 फीट और महिलाओं के लिए 3 फीट, लंबी कूद पुरुषों के लिए 12 फीट और महिलाओं के लिए 9 फीट। गोला की बात करें तो पुरुषों के लिए 16 पाउंड का गोला 16 फीट फेंकना होगा और महिलाओं के लिए 12 पाउंड का गोला 10 फीट फेंकना होगा। बाकी फ्रेंड यहां पे 1998 जो सीटें हैं वो कैटेगरी वाइज सारी सीटें आप देख सकते हो फ्रेंड। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं कि कैसे हम फॉर्म को फिल करते हैं, तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने फ़ोन पे या डेस्कटॉप पे गूगल का पेज ओपन कर लेंगे और यहाँ सर्च वाले बार पर डालेंगे bpssc.bih.nic.in और इसको सिंपली यहाँ पे गो कर देंगे, ठीक है। तो फ्रेंड जैसे ही आप गो करोगे आपके पास इस तरह का एक पेज ओपन आएगा। तो इस पेज जो पेज ओपन होगा इसमें देखो पहला जो ऑप्शन आपको दिख रहा है यहाँ पे, अप्लाई ऑनलाइन फॉर द पोस्ट ऑफ पुलिस सब इंस्पेक्टर, इसको आप क्लिक कर लें। यहाँ पे आप जैसे ही इसको क्लिक करोगे देखो इस टाइप का पेज ओपन हो जाएगा फिर से दोबारा आपके पास। तो फ्रेंड इसमें करना क्या है आपको कि ये 3 स्टेप में फेल होगा, पहला रजिस्ट्रेशन करना है और पेमेंट करना है, दूसरा एप्लीकेशन को फिल करना और तीसरा एप्लीकेशन को आप देख सकते हैं। तो सारा कुछ यहाँ पे है, आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए, देखिए सारा कुछ, आपको परेशान होने वाली कोई बात नहीं, आपको सारा कुछ यहाँ पे देखने को मिलेगा कि कैसे आप एप्लीकेशन को फिल कर सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ step 1 पे जाएंगे, रजिस्ट्रेशन एंड मेक पेमेंट पे, और यहाँ पे हम क्लिक कर दिए इस चीज़ को। तो गाइस जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे देखो यहाँ पे छोटा सा एक इंट्रोडक्शन है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा, सारा कुछ इसमें बताया गया कि आप पेमेंट कैसे करोगे,
नाम कैसे फिल करोगे, जो आपके टेंथ में मार्कशीट है उसके हिसाब से आप नाम वाम डालोगे, श्री वगैरह मिस्टर मिसेस वगैरह कुछ नहीं लगाना है इसमें। आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो अगर बिहार में तो आपको वहाँ पे यस कर देना है, मतलब सारा कुछ जो भी मैंडेटरी चीज़ें हैं यहाँ पे, नेशनलिटी वगैरह, फ़ोन नंबर वगैरह, मेल आईडी वगैरह, जो भी सारा कुछ है वो सब यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। थोड़ा आप पढ़ लो इस चीज़ को, लेकिन मैं यहाँ पे मेन मेन चीज़ आपको बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे एज देखो फ्रेंड, यहाँ पे क्या है कि जनरल कैटेगरी वाले 37 साल की एज तक फॉर्म फिल कर सकते हैं, जिनका एज 37 साल तक का हो है वो फिल कर सकते हैं इस फॉर्म को। एसटी एससी के लिए यहाँ पे 42 है और बीसी और ईबीसी के लिए 40 साल है, ठीक है। तो ये एक काफ़ी अच्छा मौका है कि 37 साल तक के एज वाले लोग इसमें पार्टिसिपेट हो सकते हैं। उसके बाद मैं बात करूँ तो यहाँ पे थोड़ा नीचे चल जाते हैं तो यहाँ पे मेक पेमेंट की बात करते हैं। तो यहाँ पे जनरल वाले और ओबीसी वाले को 700 रुपये लगेंगे, बाकी जो एसटी एससी बिलोंग करते हैं वो 400 रुपये उनको 400 में उनका काम निपट जाएगा, ठीक है। तो आइए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और यहाँ पे डिक्लेरेशन पे क्लिक करके यहाँ पे प्रोसेस टू रजिस्टर एंड पेमेंट पे क्लिक करते हैं। तो इस तरह का पेज आपके पास ओपन हो जाएगा। यहाँ पे बोला जा रहा है स्ट्रिक्टली कि आपका जो भी नाम वगैरह टेंथ के मार्कशीट में है आप एज इट इज़ यहाँ पे इनपुट करें। तो मैं यहाँ पे अपने टेंथ मार्कशीट के हिसाब से जो भी नाम है वो यहाँ पे फिल करता हूँ। फिर फ्रेंड यहाँ पे अपना एक वैलिड ईमेल आईडी डाल दो ताकि वो आपसे कांटेक्ट कर पाएं कुछ भी। और फ्रेंड उसके बाद ये पूछ रहा है कि आप बिहार से हो या नहीं हो, तो मैं नहीं हूँ तो मैंने नो पे क्लिक कर रखा है। उसके बाद ये आपसे जेंडर पूछ रहा है तो आप अपना जेंडर यहाँ पे डाल दो। उसके बाद ये आपसे डेट ऑफ बर्थ पूछ रहा है तो ये आप उसको मेंशन कर दो यहाँ पे। मैं यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ मेंशन कर दे रहा हूँ। उसके बाद पूछ रहा है कि आप मतलब बिहार गवर्नमेंट में काम कर चुके हो एज ए एम्प्लॉय तो नहीं तो नो पे कर लो। उसके बाद पूछ रहा है कि आप कोई एक्स सर्विसमैन हो, तो अगर हाँ तो यस में कर दो, अगर नहीं हो तो नो में कर दो, बाकी आप यहाँ पे प्रोसेस में क्लिक कर दो। तो फ्रेंड जैसे आप क्लिक करोगे ये दूसरा पेज फिर से ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपका जो भी डिटेल है वो प्रीव्यू करने का मतलब ऑप्शन दे रहा है आपको। आप अगर कुछ भी आपने जो भी इनपुट किया है वो सारा कुछ आप चेक कर सकते हो यहाँ पे कि आपने प्रॉपर सही डाला है या नहीं, या फिर कुछ चेंजेस करने हैं तो आप यहाँ से एक बार देख सकते हो। यहाँ पे बोल भी रहा है रजिस्ट्रेशन रिव्यू एंड कंफर्मेशन, ठीक है। तो सारा डिटेल आपने जो भी फिल किया था वो यहाँ पे आप देख लो और उसके बाद यहाँ पे मार्क करके इसको नेक्स्ट ये कैप्चा जो है वो कैप्चा यहाँ पे डाल दो। कैप्चा डाल के यहाँ मैंने अपना कैप्चा जो है वो डाल दिया। उसके बाद यहाँ पे मैं यहाँ पे आगे यहाँ पे देखो फ्रेंड यहीं पे बोला जा रहा है कि अमाउंट टू बी पेड 700 रुपीज़, ठीक है। अभी आपको कैप्चा डालने के बाद यहाँ पे 700 रुपीज़ है वो पे करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप पहले फॉर्म भर लो, फोटो अपलोड कर लो, सिग्नेचर कर लो, उसके बाद पेमेंट करो, नहीं। इस बार ये ऐसा नहीं है, आप थोड़ा सा अपना डिटेल फिल करो, उसके बाद पहले पेमेंट करो, फिर सारा अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह क्वालिफिकेशन जो भी है वो यहाँ पे अपलोड करोगे। तो मैं यहाँ पे मेक पेमेंट पे करता हूँ।
तो फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हो कि SBI का ईपे पेमेंट डिटेल आ चुका है, यहाँ पे सारा कुछ बता रहा है किस लिए आप फॉर्म वगैरह फिल कर रहे हो, किस चीज़ के लिए है, अमाउंट कितना डिटेक्ट होना है। तो यहाँ पे अगर आपके पास कार्ड नंबर है तो कार्ड से भी कर सकते हो, और इंटरनेट बैंकिंग है तो इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू भी कर सकते हो, भीम UPI के थ्रू भी कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर फ़िलहाल तो अभी मेरे पास कार्ड है तो मैं कार्ड से यहाँ पर डिटेल फिल करने वाला हूँ। तो फ्रेंड मैंने यहाँ पे अपना OTP डाल के नेक्स्ट के लिए प्रोसीजर कर दिया, और आप देख सकते हो योर रजिस्ट्रेशन ID, ये जो है अपना ID वगैरह सारा कुछ दे दिया, और यहाँ पे लिखा यू हैव सक्सेसफुली फिल इन द रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड पेमेंट हैज़ बीन रिसीव्ड। तो फ्रेंड यहाँ पे हमने क्या किया कि यहाँ पे सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन कर लिया है, और अपना जो पेमेंट रिसीव है वो भी डाउनलोड कर लिया। आप भी यहाँ पे डाउनलोड कर लो ताकि आपके पास एज अ प्रूफ रहे कि आपने कुछ पेमेंट करा है, और उसका PDF फाइल आपके फ़ोन पे सेव हो जाएगा। और यहाँ पे प्रोसेस टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म में क्लिक करके आगे का प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे अगला पेज जो है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए ओपन हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपके पास आधार कार्ड, वोटर ID, पासपोर्ट, राशन कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट, डिफेंस सर्विस डॉक्यूमेंट्स, ऐसा कुछ भी डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए यहाँ पे एड्रेस के एज अ प्रूफ के लिए। और यहाँ पे आपका फ़ोटो है वो गुड क्वालिटी का होना चाहिए और लेस दैन 25 KB की होनी चाहिए, और उसमें विजिबिलिटी जो है क्लियरिटी वो अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं गाइडलाइन से, आप एक बार इसको पढ़ लेना, देख लेना, बाकी वैसे कुछ और इम्पॉर्टेंट तो नहीं है। और आगे हम क्या करते हैं, इसको अपलोड कर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर डेकोरेशन पर क्लिक करके नेक्स्ट यहाँ पर प्रोसेस टू फिल एप्लीकेशन पर करते हैं। तो यहाँ पे हमने जो स्टार्टिंग में जो थोड़ा सा डिटेल डाला है अपना वो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। उसके बाद यहाँ पे पोस्ट प्रीफर पूछ रहा है फ्रेंड, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले तो सब इंस्पेक्टर के लिए करेंगे, और दूसरा जो है वो सर्जेंट के लिए करेंगे। और यहाँ पे फ्रेंड देखो अपना जो भी है, फादर नेम, मदर नेम, ठीक है, मैरिटल स्टेटस, आइडेंटिटी कार्ड नंबर, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन मार्क वगैरह जितना कुछ है ये सारा कुछ फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे देखो मैट्रिक का सर्टिफिकेट वगैरह जो है कि आपने कौन से स्कूल से किया, कौन से इंस्टीट्यूट से किया है, कौन से यूनिवर्सिटी से किया है। उसके बाद पासिंग सर्टिफिकेट नंबर किया है, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, मंथ, ईयर, सारा कुछ यहाँ पर फिल करना है। ग्रेजुएट हुए तो किस चीज़ से ग्रेजुएट हुए तो उसका सारा डिटेल यहाँ पर फिल करना है। PG अगर आपने कर रखा है या ऑप्शनल चॉइस है आपकी तो यहाँ पे उसका भी डिटेल डालना है। अब बात करते हैं एड्रेस में, तो एक परमानेंट एड्रेस, एक करस्पॉन्ड एड्रेस है, तो यहाँ पे परमानेंट एड्रेस में आप वो डिटेल डालोगे जो आपका परमानेंट हो, और करस्पॉन्ड में जो अभी फ़िलहाल आप जहाँ पे रह रहे हो। ये जो स्टार मार्क किया हुआ है फ्रेंड यहाँ पे वो मैंडेटरी है, वो आपको कंपलसरी है फिल करना। तो फ्रेंड यहाँ पे सारा एड्रेस फिल करने के बाद यहाँ पे नीचे डिक्लेरेशन ऑफ क्रिमिनल केसेस, ठीक है, तो इन सभी पे आप नो कर देना, ठीक है। बट अगर आपके नाम पे कभी FIR हुआ है या फिर आप कभी अरेस्ट हुए हैं तो यहाँ पे यस करके उनका डिटेल वगैरह सारा कुछ यहाँ पे फिल करना होगा। बाकी अगर जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है तो वो सारे में नो कर दें। और फ्रेंड उसके बाद बात आती है अपलोड फ़ोटो और सिग्नेचर की। तो यहाँ पे जो फ़ोटो है वो सैंपल के तौर पे दिखाया गया कि किस तरह के फ़ोटो यहाँ पे अपलोड करनी है। उसके बाद दो सिग्नेचर चाहिए होगी आपको, एक इंग्लिश में और एक हिंदी में। आप दोनों सिग्नेचर पे आप अपलोड करोगे और नेक्स्ट में प्रोसीजर पे ओके करोगे और आपका फॉर्म जो है वो फिल हो जाएगा। और फ्रेंड आई होप इस तरह से आप यहाँ पे फॉर्म फिल कर लोगे, और नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आपको एक बार ऑप्शन आएगा देखने के लिए, तो वो भी आप देख सकते हो। तो फ्रेंड यहाँ पे हमने सिग्नेचर और फोटो अपलोड कर दिया है, और याद रखें कि आपका सिग्नेचर जो है वो बिल्कुल ब्लैक पेन से होना चाहिए हिंदी और इंग्लिश में। और ये देखो अपलोड करने के बाद ये यहाँ पे दिखा रहा है योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, ठीक है। सारा यहाँ पे नाम पता जो भी आपने डाला ये सारा कुछ दिखा रहा है आपको यहाँ पे, जैसा कि आप देख सकते हो। और फिर आप चाहो तो इसको यहाँ से प्रिंट भी ले सकते हो, प्रिंट का भी ऑप्शन दिया हुआ है, तो प्रिंट आप ले लो इसको, फर्दर ये आपके काम में आएगा। यहाँ से मैं इसको आज PDF फाइल में सेव कर लेता हूँ। ठीक है फ्रेंड, तो इस तरह से PDF फाइल में सेव हो गया। तो सारा कुछ फ्रेंड इसमें कर सकते हो,
स्टेप बाय स्टेप मैंने सब कुछ बता दिया है, और आपके दोनों कान दिखने चाहिए फ़ोटो में प्रॉपर, और ब्लैक पेन से लिखना मतलब साइन करना ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो ये सब सारी चीज़ें यहाँ पे देखो, पीडीएफ फाइल जो आपने सेव किया है ये प्रिंट लेने के टाइम पे, ये सारा कुछ इसमें दिखा रहा जो भी आपने फिल किया है। और इस तरह से अब फ्रेंड सबमिट करने टाइम एक बार बढ़िया से वेरीफाई करने के बाद ही आप फॉर्म को सबमिट करें, ताकि उसमें रोई रीडिट करने का ऑप्शन नहीं आएगा। फिर उस पर अपना नाम, फादर नेम, मदर नेम जो भी है वो स्पेलिंग वगैरह चेक कर ले अच्छे से। तो आई होप गाइज ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी आपको और हेल्प भी मिला होगा। तो प्लीज़ एक लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और फर्दर अपडेट के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, ताकि हमारे जो भी लेटेस्ट वीडियो हो आप तक बिल्कुल आसानी से पहुँच पाएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज़।